फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं और इसका प्रूफ देखेंगे। इसके जैसी एक और प्रॉपर्टी है, उसका प्रूफ अलग से हमने किया है, तो आप उसे भी देखिएगा। और सारी प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल्स की मैंने प्रूव की है, आप सबको एक एक करके अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इस प्रॉपर्टी को देखिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट बने और आगे बढ़ने का तरीका समझ में आए। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से चालू करते हैं। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकेंगे, ध्यान से देखिएगा, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं, वो प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज की है। इंटीग्रल ए टू बी, और अल्फा बीटा लिख देता हूं, अल्फा टू बीटा, और यहां पर ले लिए जी ए कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स डी एक्स। दिस कैन बी रिटन एज, इसको कैसा लिख सकते हैं देखिएगा, इसको लिख सकते हैं अल्फा टू गामा जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस गामा टू बीटा जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की वो प्रॉपर्टी है जो एक इंटीग्रल को कई इंटीग्रल्स में ब्रेक कर देती है। अभी हमने कितने में किया? 2 में। और शर्त है, द कंडीशन इज अल्फा शुड बी लेस देन गामा शुड बी लेस देन बीटा। जैसे एक इंटीग्रल है हमारे पास 0 to 5 एफ ऑफ एक्स, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं 0 to 1, 1 to 5 या 1 to 2, 2 to 2.5, 2.5 to 2.7, ऐसे करके हम इसको इनफाइनाइटली मैनी बीच के इंटीग्रल्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने 2 इंटीग्रल्स में इसे ब्रेक किया। 2 इंटीग्रल्स में क्यों ब्रेक किया? तो कुछ हमारे मन में लालच था, लालच ये था कि हमें प्रूव करना है ट्वाइस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें एक चीज मिल गई मुझे, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर इसका क्या होगा? तो इसका क्या होगा, इसके लिए इसको कुछ आई अज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस बी इक्वल टू आई, क्यों? क्योंकि आधा काम तो हो चुका है। अगर ये भी इसी के बराबर होगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ऐसा सोच के इसको आई अज्यूम कर लिया। इंटीग्रल ब्रेक करने के लिए हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है, 0 से a, a से 2a, और भी बीच में कई तरीके से ब्रेक कर सकते थे, पर हमने जो तरीका यूज किया वो इसको ध्यान रखते हुए किया। तो ये इंटीग्रल इस तरह से ब्रेक हुआ। मान लीजिए अब ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल आई, इसको दे देते हैं नंबर 1। अब व्हाट इज आई? अब आई क्या चीज है? तो वेयर आई इज इक्वल टू ए टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आई की वैल्यू है ए टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रल आई को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस इंटीग्रल आई को अभी ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट, इसको रब नहीं करते, मिटाते नहीं है। आई की वैल्यू लिखी हुई है ए टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो आप ध्यान से देखिए, उसका जो बेसिक आइडिया वो यहां पर छुपा हुआ होता है, उसका जो बेसिक आइडिया कि एक्स की जगह क्या रखना है। तो ये तो कहता है कि एक्स की जगह टू ए माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, पर आप जानते हैं कि x की जगह 2a माइनस x सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम एक काम करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू 2a माइनस t, एक नया वेरिएबल।
इंट्रोड्यूस करते हैं और x इज इक्वल टू 2a-t लिख सकते हैं उसकी जगह। आपको फिर मैं बता सकता हूं, x ये कि आप 4-x, x ये कि आप 3-x, इस तरीके की चीज अगर रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप x की वैल्यू सर्टेन कर देते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है आपने x की वैल्यू फिक्स कर दी। तो आप, हम ऐसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करते, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे सब्स्टिट्यूट करते। तो सबसे पहली कंडीशन है dx by dt निकालना। तो dx by dt होगा 0-1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस टाइम्स dt, ये dx का वैल्यू आ गया। अब नाउ व्हाट अबाउट लिमिट, तो व्हेन, जब x की वैल्यू लोअर लिमिट, ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू होती है x की, ये भी x की होगी, ये भी x की होगी, एंड हाउ वी शैल कम टू नो दैट दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x थ्रू दिस, d के अंदर क्या लिखा है, तो d के अंदर x लिखा है, तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x। तो जब x का वैल्यू a है, तो अब नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हमने t की टर्म्स में, तो होल इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इन टू t, पूरा जब t में आ जाएगा तो हमें x की वैल्यू नहीं लगेगी, t की वैल्यू लगेगी। क्यों? क्योंकि dx की जगह हम माइनस dt लिख देंगे, x की जगह हम लिख देंगे f ऑफ 2a-t, तो जो हमारा इंटीग्रल है वो किस तरह से हो जाएगा, तो देखिएगा वो इंटीग्रल हमारा किस तरह से हो जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो इस तरह से हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ 2a-t और dx की जगह आ जाएगा माइनस dt। फिर मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि d के अंदर क्या है, तो d के अंदर t है, तो लिमिट t की लगेगी ना कि x की लगेगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू a, जब x की जगह a है तो t की वैल्यू इससे निकलेगी, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ये की है, दिस इज कॉल्ड की, यही सबसे बड़ी चाबी है, कुंजी है, जिससे हम सारा काम करेंगे। तो x की जगह a रख दीजिए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2a-t और दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, ये a उधर भेज दीजिएगा, t इधर भेज दिया हमने a, एंड व्हेन व्हेन x इज इक्वल टू 2a, जब x की जगह है 2a तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2a-t, t इधर भेज दें 2a उधर भेज देंगे, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो जो लिमिट एग्जिस्टिंग लिमिट जो थी वो a से 2a थी, अब लिमिट होगी a टू 0, तो इंटीग्रल में लिमिट लगेगी t की, तो t इज इक्वल टू a ऐसा भी लिख सकते हैं और t इज इक्वल टू 0, पर यूजुअली ये चीज प्रैक्टिस में नहीं रहती तो डायरेक्ट उसको a टू 0 लिख देते हैं। अब और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आएंगे, इसका ये रिजल्ट जो था 1, इस रिजल्ट 1 को आप ध्यान रखिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ इस 1 को, ये जो रिजल्ट था 1, 0 से सॉरी इक्वेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस आई, ये नंबर था 1, ये नंबर 1 था। अब ध्यान से सुने, अब हमारे पास ये जो i का वैल्यू है इसमें लिमिट है a टू 0, अगर लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो बाहर एक माइनस आता है, ये भी डेफिनेट इंटीग्रल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज में साइड में कोट करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, लिमिट अल्फा टू बीटा और यहां g ऑफ x कैन बी रिटन एज dx होगा माइनस, ये हो गया इसका काम, तो इसको रब कर देते हैं, तो ये रब कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अब अगर लिमिट्स इंटरचेंज कर दी तो बाहर एक माइनस आएगा बीटा टू अल्फा g ऑफ x dx, ये प्रॉपर्टी भी मैंने प्रूव की है, वो प्रॉपर्टी जो इससे पहले यूज की थी उसका भी प्रूव किया हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पूरे डेफिनेट इंटीग्रल्स के वीडियोस देख सकते हैं। ये माइनस दोस्तों इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो द इंटीग्रल बिकम्स, अब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा जीरो टू
एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी, जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी। अब एक खास बात और है, वो खास बात ये है कि द डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करते। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है जीरो टू थ्री एक्स डी एक्स, या वन टू थ्री ले लें आप एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, अब लिमिट रखेंगे वन से थ्री तो ये जाएगा थ्री स्क्वायर बाय टू नाइन बाय टू माइनस वन स्क्वायर बाय टू, तो ये आ जाएगा एट बाय टू, एट बाय टू का वैल्यू फोर है। अब सिमिलर इंटीग्रल है वन टू थ्री, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या लिखा हमने टी डी टी, तो इसका इंटीग्रल होगा टी स्क्वायर बाय टू, लिमिट रखेंगे वन से थ्री, ये भी वही आएगा थ्री स्क्वायर बाय टू नाइन बाय टू माइनस वन बाय टू फोर, तो ये वन बाय टू सॉरी, तो ये आया वैल्यू फोर। तो आपने देखा, यू हैव नोटिस्ड कि आंसर दोनों का सेम है। तो क्या खास बात है, ये सेम होना, फंक्शन उसी टाइप का होना, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो फिर यहाँ टी स्क्वायर होना, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ टी होना, और यहाँ डी एक्स है तो यहाँ क्या होना डी टी। मतलब फंक्शन सेम होना, लिमिट्स सेम होना, वेरिएबल कैसे भी हो सकते हैं, एक्स हो टी हो, अगर वाई भी होता, आप एक्सपीरियंस करके देखो, वन बाय थ्री वाई डी वाई होता तो भी आंसर वही आता, वन बाय थ्री जेड डी जेड होता तो भी आंसर वही आता, तो अगर वाई स्क्वायर हो जाता तब फिर अलग आता, अगर ऐसा होता तो फिर अलग आता, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे टी है एक्स है और यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया। तो कहने का मतलब है डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, तो इसलिए दिस आई विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये आई हो जाएगा जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग टी इज इक्वल टू एक्स, तो टी इज इक्वल टू एक्स रखा हमने तो इससे कोई दिक्कत यूं भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे महसूस करना चाहते हो तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स वन होगा, डी एक्स यहां चला जाएगा तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स, तो डी टी की जगह क्या लिख सकते हो आप डी एक्स। एक्स की वैल्यू ध्यान से देखिए, वो वैल्यू किसकी थी, टी की वैल्यू जीरो थी, तो वेन टी इज जीरो, जब टी का वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो इज इक्वल टू एक्स, जब टी का वैल्यू ए है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, तो लिमिट जीरो टू ए थी, लिमिट जीरो टू ए है। कहने का मतलब है डेफिनेट, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बस इतना लिखना काफी है। क्या लिखना काफी है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, इनको वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन और लिमिट से फर्क पड़ता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि हमने पीछे सब्स्टिट्यूट किया था x की जगह 2a माइनस टी, तो t की जगह 2a माइनस एक्स वापस से सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि इंडेफिनेट में ऐसा होता है। तो यस यू आर राइट, इट हैपन्स इन इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, बट नॉट इन डेफिनेट इंटीग्रल व्हेन वी चेंज द लिमिट्स। जब हम लिमिट चेंज कर देते हैं तब हम वहां क्या सब्स्टिट्यूट करता है, रखा था, क्या हुआ था, वी फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स एंड वी कम टू द नेक्स्ट थिंग। तो जो पिछला क्या किया हम उससे कोई वास्ता नहीं रखते, इसलिए आप वहां पीछे की बात को भूल जाइए कि व्हाट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, वी हैड सब्स्टिट्यूटेड एक्स इज इक्वल टू टू ए माइनस टी, दैट आई अग्री, बट वी हैव चेंज्ड द लिमिट्स। अब अगर हम चेंज लिमिट नहीं करते तो फिर हम यहां वापस से उसकी वैल्यू रखते टी ए की, टी की वैल्यू क्या रखते टू ए माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स की जगह ये था तो टी की वैल्यू टू ए माइनस एक्स हो जाती, पर बट वी हैव चेंज्ड द लिमिट्स, सो फॉरगेट व्हाट वी डिड अर्लियर, इससे पहले क्या किया अब उसको भूल जाइए। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एंड नाउ आप ध्यान से देखिए, अब अपने पास दो कंडीशन है, तो कंडीशन नंबर वन एंड कंडीशन नंबर टू, तो वेयर आर दोज कंडीशंस, सो नॉट टू वरी नाउ, ये कंडीशंस है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड कंडीशंस, यही कंडीशंस कहलाती है। क्या कहलाती है कंडीशन,
एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो क्या होगा, और अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, एग्जाम्पल से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, माइनस एफ ऑफ एक्स होगा तो क्या होगा। देर आर टू कंडीशन, कंडीशन वन इज दिस, कंडीशन टू इज दिस, और इसके अलावा कोई कंडीशन होगी तो वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस दोज कंडीशन हियर। हमें केवल इन दोनों कंडीशन को डिस्कस करना है, इनके अलावा किसी कंडीशन को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी में यही कंडीशन का महत्व है। एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो, और एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो, और अगर इन्हें ये नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर ये प्रॉपर्टी उनमें यूज नहीं होगी, तो फिर कौन सी होगी, तो वो सोचने का अभी विषय नहीं है। तब कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इसमें केवल इसी प्रॉपर्टी पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्या डेफिनेट में, नहीं, इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज हैं। तो देर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑन विच क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आर फॉर्म्ड, दे आर नॉट बेस्ड ऑन दिस ओनली। तो अभी हमारे पास तो जो ये दो कंडीशंस लगेगी, व्हाट कंडीशंस वी आर गिवन, सो वी आर गिवन दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, सो वी आर सपोज टू डिस्कस दीज टू कंडीशंस ओनली, इनके अलावा कोई कंडीशन डिस्कस नहीं करना है। तो देखिएगा, अब हम यहां पर आते हैं, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट रब दीज टू कंडीशंस। कंडीशन वन कहती है एफ एफ ऑफ टू, इफ हियर आई कैन पुट इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस एंड इफ दिस, तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स है तो, इसका एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा आपको, यू डोंट वरी। तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स है तो ये हो जाएगा आपका जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स। यहां लिमिट नहीं चेंज की, नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि हमें ये दिया हुआ था एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स, और अगर ये वाली कंडीशन है तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स है, तो देयरफॉर द आई विल बी व्हाट, देयरफॉर द आई विल बी, इस केस में आई की वैल्यू हो जाएगी जीरो टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो आई की वैल्यू है, ये और वो वैल्यू, दो वैल्यूज है, दीज टू वैल्यूज आर टू बी सब्सटीट्यूटेड हियर, ये रखना है हमें वन में, क्योंकि हमने इसकी शुरुआत वन से की थी। देयरफॉर फ्रॉम वन, अब इसमें ध्यान से देखें, इसमें भी दो पार्ट कर देते हैं, ये वाला और ये वाला, इसको और इसको। देयरफॉर फ्रॉम वन, अब वन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो ध्यान से देखो, जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वन का लेफ्ट हैंड साइड है जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है उसका जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अब किसकी वैल्यू रखेंगे, प्लस अब वैल्यू रखना है आई की, क्योंकि वहां लिखा है आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो दिस पार्ट वी हैव प्रूव्ड, हाउ डिड वी कम टू नो दैट द पार्ट इज प्रूव्ड, जबकि अभी समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो ध्यान से देखो, वी हैव कंसीडर्ड, हमने क्या लिया, हमने कंसीडर किया एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर हो तो, अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एफ एक्स है तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर सकते, तो वी हैव रिप्लेस्ड, एंड हाउ ऑटोमेटिकली वी रिप्लेस्ड, सो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यूज दिस कंडीशन, विदाउट यूजिंग दिस कंडीशन दिस कैनॉट बी प्रूव्ड, तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स यूज कर लिया, करना है क्या, हाँ हाँ ये करना पड़ेगा। तो फिर कैसे करेंगे, तो आपको याद कैसे रहेगा, तो इसको याद रखने, ध्यान रखने के लिए आपको दो तीन बार इसको खुद करके देखना पड़ेगा, और जहां पर आप अटक जाते हैं वहां पर आप इसका यूज करें। इसके अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है ना, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहां भी मैं लिख देता हूं अपना व्हाट्सएप नंबर +91968569805 6। कई स्टूडेंट, बाहर के स्टूडेंट्स भी मुझे अप्रोच करते हैं, देश के विदेश के, तो आप कर सकते हैं, मेरे वीडियोस इंग्लिश में भी हैं हिंदी में भी हैं, तो आप देखिएगा उन्हें और अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं मुझे। अब ध्यान से देखिए,
therefore from one, तो from one से ये वाला part हमने लिया, now we shall have to consider that part, तो उस part को देखेंगे, तो 0 to 2a f of x dx is equal to, वो देखिए 0 to a f of x dx plus 0 to a minus f of x dx, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्यों ये वैल्यू आई की ये वाली वैल्यू यहां रखना थी तो ये वाली हमने रखी, तो आप देखो कि अगर f of 2a minus x is equal to f of x है तो यहां डबल हो जाता है, और f of 2a minus x अगर minus f of x है तो ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और आंसर कितना आ जाता है आपका 0। तो ऑल इन ऑल द प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड नाउ। अब इसका यूज और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो एक छोटी सी बात मैं और आपको सिखा देता हूं, फिर इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हैं विच वी हैव डिस्कस्ड, और उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इसकी प्लेलिस्ट दबाएं और अपना भविष्य बनाएं। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों तक मैसेज पहुंचा दें, बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख के भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर अगर आप इस प्रॉपर्टी को सीखना चाहते हैं तो व्हाट इज 2a, ये आपका 2a हो गया, व्हाट इज दिस 2a, दिस इज 2a एंड व्हाट इज दिस, दिस इज f ऑफ x। अब आप इसमें एक काम करें f ऑफ 2a माइनस x लगा दें, f ऑफ 2a माइनस x मतलब f ऑफ 2 पाई माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस x, तो साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस x है तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर होता है, साइन 2 पाई माइनस x होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x, और माइनस साइन x का स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x, तो वापस से आपका क्या आ गया, वापस आपके पास आ गया f ऑफ x, तो जब वापस आपके पास f ऑफ x आ गया तो ये प्रॉपर्टी का ये वाला पार्ट लगेगा। क्या कहता है ये पार्ट, ये कहता है कि ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से, अब 2 पाए थी तो यहां पे 2a था, ये 2a का आधा हो जाएगा a, तो 2 पाए का आधा क्या बन जाएगा पाए, और यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे, तो दोस्तों अभी भी चिंता की बात नहीं है, अब फिर इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब 2a ये था, अब 2a आप इसको भूल जाएं, अब 2a क्या बन गया आपका, अब आपका 2a बन गया है पाए, फिर से आप प्रॉपर्टी लगाएं f ऑफ 2a माइनस x, तो अब आपके पास आ जाएगा f ऑफ पाए माइनस x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाए माइनस x, साइन पाए माइनस x, साइन पाए माइनस x होता है प्लस साइन x, और उसका स्क्वायर वही होगा, फिर वही फंक्शन रिपीट हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर से प्रॉपर्टी लगेगी और इंटीग्रल डबल हो जाएगा, तो टू तो ट्वाइस तो पहले था और उसका ट्वाइस हो जाएगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि f ऑफ x तो इसका ट्वाइस था, तो मैं चाहें तो आप ये 2 भी लिख सकते हैं अंदर, 2 साइन स्क्वायर, और यहां पे भी 2 लिख दें, यहां पे भी 2 लिख दें, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि अभी f ऑफ x साइन स्क्वायर x था, अब तो f ऑफ x चेंज हो गया 2 साइन स्क्वायर x हो गया, तो नो इश्यू, दैट डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो ये ट्वाइस तो पहले ही से था, अगेन इट बिकम्स ट्वाइस, इंटीग्रल क्या बन जाएगा 0 to a बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब मैं आपको ये प्रॉपर्टी क्यों बता रहा हूं, और इसका प्रूफ डायरेक्ट भी कर सकते थे आप साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख करके, लेकिन मैं ये प्रॉपर्टी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसकी इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन हमने और भी किए हुए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल वॉच दोज वीडियोस, और आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपकी बातें ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। अब आप इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगा दें, लेकिन अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अब वो किंग प्रॉपर्टी जिसे किंग्स प्रॉपर्टी कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, तो वो ये प्रॉपर्टी है a टू b f ऑफ a x इज इक्वल टू
डीएक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाली कहां से यूज होगी, यहां पर तो ए लिखा है, तो नो इश्यू, यहां पे जीरो लिख दें, यहां पे ए लिख दें, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जीरो प्लस ए माइनस एक्स। तो वो जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है जीरो टू ए एफ एक्स डीएक्स इज जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स, वो उसका ही छोटा रूप है, तो वो प्रॉपर्टी लगा दो या ये लगा दो। क्या प्रॉपर्टी कहती है, फोर जीरो टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर, यहां पे x की जगह लिखेंगे जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स, या ये लगाएंगे तो लिखेंगे पाई बाय टू माइनस एक्स, तो पाई बाय टू माइनस एक्स। अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स, तो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कौन सी बात है, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स है, कॉस एक्स है, तो ये बन जाएगा आपका जीरो टू पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये भी इंटीग्रल है, ये किसके इक्वल है, ये भी आई के इक्वल है, लेट दिस बी इंटीग्रल, इसको मान लिया। अच्छा वन टू थ्री तो हो चुके थे खत्म, तो ये है हमारा टू, और इसको नाम दे दें आप थ्री। अब अगर आप टू प्लस थ्री कर दें तो देखिएगा क्या होने वाला है, टू प्लस थ्री, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ वी ऐड टू एंड थ्री, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में टू आई, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा जीरो टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का फंक्शन में वेरिएबल सेम है, तो दे कैन बी एडेड। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मालूम है आपको, वन हो जाएगा, वन का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स, लिमिट हो जाएगी जीरो से पाई बाय टू, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाय टू, लोअर लिमिट रखेंगे जीरो, तो पाई बाय टू माइनस जीरो। वट इज दिस, टू आई इज इक्वल टू पाई बाय, ओ सॉरी, इसमें फोर भी था ना, ये फोर है, इसमें भी फोर है, तो ये यहाँ पे भी फोर आएगा, तो वो फोर भी कॉमन आ जाएगा, तो फोर कॉमन ले लें आप, तो ये हो जाएगा आपका फोर इंटू पाई बाय टू माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा आपका टू पाई, तो टू आई इज इक्वल टू टू पाई, तो आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पाई। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने एक क्वेश्चन देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आई, तो एट द लास्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज व्हाट, इट्स वैल्यू इज पाई, तो इसका वैल्यू मैंने निकाल दिया, आपने निकाल दिया ये कह सकते हैं, या हमने निकाल दिया, तो इसका वैल्यू है पाई, तो इसका वैल्यू देखा हमने पाई इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी समझ लेते हैं कि उसको कैसे यूज करते हैं, तो दूसरा वाला भी आप समझ ले, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। I इज इक्वल टू जीरो टू पाई, या टू पाई सॉरी जीरो टू टू पाई साइन एक्स डी एक्स, ये क्या बन गया आपका टू ए, ये क्या बन गया आपका एफ ऑफ एक्स। अब आप लगा दें एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स मतलब साइन टू पाई माइनस एक्स, साइन टू पाई माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या बन गया ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये बन गया एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयर फोर इट्स वैल्यू इज वॉट, इट्स वैल्यू इज जीरो। अब कोई ऐसा सवाल हो जिसका इससे कोई लेना ही देना नहीं है, जैसे मान लीजिए यहां जीरो से टू ए ही लिख दिया, यहां एक्स स्क्वायर लिख दिया डीएक्स, अब ये आप इसमें लगा देंगे एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा टू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, ना तो ये आपका एफ ऑफ एक्स आएगा, ना तो ये आपका माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ये प्रॉपर्टी तो जब ही लगेगी जब वो दो में से एक चीज होती होगी, तो वो दोनों एग्जाम्पल आपने देख ली, ये तो फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा, तो फिर कहने का मतलब है कि जब ये डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा तो फिर हमने इतनी सारी मेहनत क्यों कर दी, ये तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं दोस्तों, बेकार नहीं होगी। आपको इसकी जगह में एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसे देखिएगा, जीरो से टू पाई साइन एक्स होल टू द पावर टू एन अपॉन साइन एक्स होल टू द पावर टू एन प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर टू एन डी एक्स, ये एक क्वेश्चन है आपके पास।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये वाला आप करने जाएंगे तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था। कौन सा था फर्स्ट एग्जाम्पल, शायद आप भूल चुके होंगे, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स जैसा एग्जाम्पल था। एग्जैक्टली ये वैसा ही एग्जाम्पल है और इसका भी वैल्यू होपफुली आई इज इक्वल टू आपके पास आएगा पाए। क्या एग्जाम क्या आएगा इसका वैल्यू, आई इज इक्वल टू पाए आएगा। आप ट्राई करना, अपने कमेंट लिखना और जरूर से बताना। और इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डाउट, डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम। और आप साथ रहें, आगे बढ़ें, यही मेरी बेस्ट विशेष है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक आपने कर दिया होगा और दोस्तों तक इसे पहुंचा दें। विश यू ऑल द बेस्ट।